मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा जीतू पटवारी ने संभाला है और अब वो लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राव विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल रहे। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी इंदौर में पहली बार कांग्रेस के सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि जीतू इंदौर की राव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण इंदौर नहीं आ पा रहे थे। कार्यक्रम में पटवारी ने कहा कि मैं इतने दिन से इंदौर नहीं आया तो लोग कहने लगे कि भैया नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मैं बता दूं कि हनीमून पीरियड भी होता है। अभी चुनाव निपटे हैं, हम भी यही हैं और आप लोग भी यही हो, एक दो महीने तो बीत जाने दो। वहीं जीतू पटवारी ने राव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी हार का भी जिक्र किया और कहा कि राव विधानसभा मेरा परिवार है, यहाँ की जनता चुनाव जिताए तो भी मेरी है और हराए तो भी मेरी है। सिर्फ सत्ता में रहकर ही सेवा नहीं होती, विपक्ष में रहकर भी सत्ता का धर्म निभाना पड़ता है। मेरी भावनाएं पवित्र हैं। सवाल ये नहीं है कि सत्ता में रहकर ही सेवा होती है, सवाल ये है कि लोकतंत्र दो पटरियों का है, एक को सत्ता में रहकर सेवा का धर्म निभाना पड़ता है, एक को विपक्ष में रहकर सेवा का धर्म निभाना पड़ता है। तब विपक्ष की जिस पटरी का जनता ने हमें जनादेश दिया है उसका काम हमें पूरा करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुन के आए थे तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपके घर में जो तेल उस समय 60 रुपए का था अब तो 30 रुपए का हो गया होगा, जो पेट्रोल 60 रुपए का था वो अब 25 रुपए का हो गया होगा। अरे कैसा देश है, पानी की बाटल अच्छी कंपनी की एयरपोर्ट पे खरीदो तो 120 रुपए, 100 रुपए, सरसों का तेल मीठा तेल खरीदो तो 100 रुपए का, पेट्रोल खरीदो तो 100 रुपए का, डीजल खरीदो तो 100 रुपए का, अरे सब। पटवारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उनकी सरकार बन गई लेकिन ना पेट्रोल सस्ता हुआ ना तेल। यह बात हमें जनता तक पहुंचाना है, किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हो पाई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।